मगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर, मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा, स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान। हम सबके जीवन में समस्याएं किसी ना किसी रूप में आती रहती हैं, और इन समस्याओं से निकल पाना आसान नहीं होता। ऐसे में कई बार हम टूट कर बिखरने लगते। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के मेहमान किसान के साथ। वो अच्छी भली पढ़ाई कर रहे थे, फिर एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि उनके पिताजी कैंसर से ग्रसित हैं। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो उन दुखों के पहाड़ के नीचे दब जाए, या फिर कुछ ऐसा करें कि उनके दुख कम हो सके। एक मशहूर लेखक ने कहा है कि जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती से निखर कर आए। हमारे आज के मेहमान किसान ने भी बड़ी हिम्मत के साथ इसी सकारात्मक सोच को अपनाते हुए अपनी समस्याओं और अपने दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। समस्याओं का सामना करते हुए आगे का सफर जारी रखा, और इतना ही नहीं, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से न सिर्फ समस्याओं का सामना किया बल्कि उनका हल भी निकाला। ऐसा क्या किया उन्होंने, आइए देखते हैं। हिम्मत राखो, आखर आपला पप्पा केम, पप्पा ने केम कैंसर जेवी बीमारी थई, आखर आपला पप्पा ने जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, कभी धूम्रपान नहीं किया, अरे वो तो बाहर तक का खाना भी नहीं खाते थे। किसान है, अपने खेत में अनाज उगाकर वही अनाज खाते हैं, फिर भी इतनी भयानक बीमारी कैसे? दिख रहा तारा पिताजी की तबियत बहुत कथड़ी रही है, इमने कोई मोटा शहर में कोई मोटा डॉक्टर ने बतावा लई जाऊ पड़ से।
इसके बाद रामचंद्र पटेल कैंसर से पीड़ित अपने पिता घेला भाई को लेकर बॉम्बे आते हैं। बॉम्बे के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में घेला भाई का इलाज चलता है और अंततः आई एम सॉरी, बहुत लेट हो चुका है। ही इज इन द लास्ट स्टेज। डॉक्टर सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा ना धूम्रपान करते हैं ना शराब पीते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा। सर एक काम कीजिए ना, एक बार फिर से जांच करके देखिए। रामचंद्र, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं। मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं। तुम्हें तो पता है कि यहां पे कई प्रकार के टेस्ट होते हैं और ये रिपोर्ट बनती है, और ये रिपोर्ट गलत नहीं हो सकता। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर आप धूम्रपान तो छोड़िए, मेरे पापा बाहर तक का कुछ नहीं खाते हैं, वो सिर्फ अपने खेत में उगाया हुआ अनाज ही खाते हैं सर, फिर भी उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बैठ जाओ। मैंने तुम्हारे फादर की फाइल स्टडी की है और ये सही है कि वो शराब नहीं पीते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं और ना ही बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन आप बहुत बहुत वर्षों से केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज करते आए हो और जिसकी वजह से उन्हें ये कैंसर हो गया है। Well, sorry to say, he has cancer. आप सोच रहे होंगे किसान और खेत की जगह हम अस्पताल कैंसर की बात क्यों कर रहे हैं, इनका इन सब से क्या संबंध? जी हां, रोग बीमारी और कैंसर का खेत और फसल से संबंध है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए आपको शुरुआत में लेके चलते हैं। रामचंद्र पटेल का जन्म गुजरात के सूरत जिले के भट गांव में हुआ। उनके पिता घेला भाई पटेल एक किसान थे और घेला भाई अपने खेत में फसल उगाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। रामचंद्र जी की मां रेवाबेन एक घरेलू महिला थी। रामचंद्र अपने 6 भाई बहनों में 5वीं नंबर के संतान थे। बालक रामचंद्र पढ़ाई के साथ साथ खेत में पिता की मदद किया करते थे। और खेती के प्रारंभिक गुण उन्होंने पिता से ही प्राप्त किए। लेकिन पिता की खेती परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। बालक रामचंद्र ने घर में गरीबी को करीब से देखा था। उन्होंने तय किया कि वो बड़े होकर कोई अच्छी नौकरी करेंगे जिससे वो परिवार का सहारा बन सके। इस सोच के साथ उन्होंने पढ़ाई में मन लगाया
और खेत में काम से जब समय बचता तो वो वहीं बैठकर पढ़ाई किया करते थे। इस तरह पढ़ाई करते हुए वो प्रारंभिक शिक्षा से कॉलेज तक पहुंचे और उन्होंने बीकॉम तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने फौज की नौकरी में जाने का निर्णय किया। और फौज की चयन प्रक्रिया में भट गांव से अनेक लड़कों में सिर्फ रामचंद्र पटेल का चयन हुआ। रामचंद्र फौज की नौकरी के लिए निकलने वाले थे कि तभी उन्हें पता चला कि उनके पिता को कैंसर है। बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, बड़े भाई दौलत दूसरे शहर में नौकरी कर रहे थे। और छोटा भाई दिनेश अभी पढ़ाई कर रहा था। ऐसी स्थिति में रामचंद्र को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ते हुए घर में रहकर परिवार की जिम्मेदारी उठाई। और अपने खेत में खेती का काम करने लगे। साथ में बीमार पिता की देखभाल पिता की हालत बिगड़ने पर वो इलाज के लिए उन्हें बॉम्बे लेकर आए। लेकिन अपनी कोशिशों के बावजूद रामचंद्र अपने पिता को बचा नहीं पाए। और फिर उन्होंने एक निर्णय किया। રસાયણ અને ફર્ટિલાઇઝર વાળી ખેતી જ પપ્પાનો જીવ લીધો છે। હું આવી ખેતી બંધ કરી દઈશ। હમ યે રસાયણ ફર્ટિલાઇઝર વાળી ખેતી નહીં કરેંગે। તો પછી શું કરીશું મોટા ભાઈ? ઇસ નિર્ણય કે બાદ રામચંદ્ર અપની મુહિમ મે લગ ગયે। सबसे पहले वर्षों से रासायन और फर्टिलाइजर से ग्रस्त हो चुकी अपनी खेत की भूमि को उन्होंने धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से उर्वरक करना शुरू किया।
साथ ही वो गांव के एक ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान से मिले और उनसे सलाह मांगी। यही नहीं, वो दूसरे जिले के किसानों से भी मिलकर ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। और फिर उन्होंने अपने खेत में प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती शुरू की। वो लगातार ऑर्गेनिक खेती के रूप में अपने खेत में मेहनत करते रहे। फिर थोड़ी सफलता के बाद उन्होंने एक और प्रयोग किया। एक बंजर भूमि लेकर उस पर उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की योजना के तहत खेती शुरू की। और फिर कुछ वर्षों के अपने अथक परिश्रम और लगन के बल पर रामचंद्र पटेल ने ऑर्गेनिक खेती में अपार सफलता प्राप्त की। पिता की मृत्यु से सबक लेकर उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया। आज उनकी ऑर्गेनिक खेती से केले के चिप्स, तरह तरह के जूस और हल्दी के पाउडर का निर्माण होता है। रामचंद्र पटेल ने ऑर्गेनिक खेती करके एक तरफ अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान की, तो वहीं दूसरी तरफ समाज और देश के लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक ऑर्गेनिक अनाज प्रदान किया। उनकी उपलब्धता को देखते हुए उन्हें कई प्रकार के सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख है कृषि ऋषि और प्रगतिशील किसान पुरस्कार। आज रामचंद्र पटेल एक सफल और खुशहाल किसान है और उनका मंत्र है प्राकृतिक खेती, सुरक्षित अनाज और स्वस्थ परिवार। मैं आत्मविभोर हूं रामचंद्र पटेल की जीवन यात्रा देखकर। परिस्थितियां के विपरीत रही, लेकिन इन्होंने उनका सामना किया और अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते रहे जब तक इन्होंने अपनी मंजिल को पा नहीं। इनकी इसी जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से बात करें खुद रामचंद्र पटेल से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रामचंद्र जी, आप कई समस्याओं से जूझते हुए, उनसे लड़ते हुए यहां तक पहुंचे, तो आपका अभी तक का यह सफर कैसा रहा? हमारा फादर मदर ने भी मेहनत कर बहुत किया, उसने हमारे को भी मेहनत करने का सिखाया। इस हिसाब से हम मेहनत करते रहे और काम करते रहे, काम में जुटे रहे और जो काम करते थे उसमें नया नया क्या आता है, कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके बारे में सोच रहती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छू लो आसमान।
स्वागत है आपका छू लो आसमान। ब्रेक में जाने से पहले हमने रामचंद्र पटेल की जीवन यात्रा देखी, तो अब समय आ गया है उनसे मिलने का। तो आइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं कृषि क्षेत्र में कई पुरस्कार पाने वाले सूरत गुजरात के रामचंद्र पटेल से। रामचंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे शो। नमस्कार। नमस्कार रामचंद्र जी, आप कई समस्याओं से जूझते हुए, उनसे लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो आपका अभी तक का यह सफर कैसा रहा, उसका अनुभव बताएं। नहीं, समस्या तो हमारे को जो गरीबी थी, तो वो गरीबी हमारे को खूंचती थी, इसीलिए हमारा फादर मदर ने भी मेहनत कर बहुत किया, उसने हमारे को भी मेहनत करने का सिखाया। इस हिसाब से हम मेहनत करते रहे और काम करते रहे, काम में जुटे रहे और काम में जुटे रहे और जो काम करते थे उसमें नया नया क्या आता है, कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके बारे में सोच रहती थी। काम तो करते थे, साथ साथ में दिमाग भी चलाते थे, नया नया देखते थे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते थे और कुदरत का भी साथ मिलता रहा और हम आगे प्रयत्न करते रहे। आपकी खेती में रुचि कब से है? मैं खेती परिवार से ही पैदा हुआ हूँ, इसीलिए पहले से रुचि थी। मेरा फादर मदर भी खेती करते थे, मैं भी उसके साथ में छोटा हो था उसी टाइम में, हमारा पूरा परिवार उसमें जुटे हुए थे और खेती मेरा पेशन था, अकेला डंडा नहीं था, पेशन भी है मेरे, इसीलिए मेरे को कुछ थकान नहीं लगती, कुछ ऐसा नहीं, तकलीफ जैसा नहीं महसूस रहा, जो भी परिस्थिति आए उसको मैं सहन करके आगे बढ़ता रहा। रामचंद्र जी, आप अपने पिताजी के साथ खेती में हाथ बटाते थे, आप पढ़ाई भी करते थे, आप खेल कूद में भी दिलचस्पी लेते थे, आप मस्ती भी करते थे, तो इतना सब करने का समय कैसे निकल पाता? वैसे दूसरा वेस्ट टाइम हम नहीं करते थे, आरस नहीं करते थे, नींद चाहिए तो थोड़ी नींद से ही हमारे को चल जाता था पूरा परिवार। वैसे ही थकान इतनी होती है कि जो नींद आती थी गहरी नींद आती थी, इसीलिए बाकी का टाइम गहरी नींद के ख़त्म हो जाने के बाद बस पूरा परिवार काम में ही जुटे रहते थे। मैं अकेला काम करता था ऐसा नहीं था, पूरा परिवार काम करता था, मेरी बहनें भी काम करती थी, भैया सब काम करते थे, फादर मदर का कज़िन भी सब काम में जुटे रहते थे। आपने बीकॉम तक की पढ़ाई की, तो आपको कभी ये लगा नहीं कि आपको शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए? नहीं, वैसे पढ़ाई का मतलब ऐसा नहीं है कि नौकरी के लिए ही पढ़ाई करने का, पढ़ाई से हमारे को ऐसा फ़ायदा हुआ कि जब कॉटन, जो हम एक क्विंटल कॉटन पैदा करते थे उसका 600 रुपया मिलता था और एक बीघे में 5 क्विंटल कपास पकती थी, 3000 रुपया उससे मिलता था और उसमें से खर्चा बांट करना, लेकिन 3000 में उसी टाइम ज़मीन एक बीघा मिलती थी, तो हम वो पैसे पढ़ाई का जो है इकोनॉमी, हम समझ गए कि इकोनॉमी में लैंड नया नहीं बन पाएगा, दूसरा सब बनाया बन पाएगा लेकिन लैंड नया नहीं बनता, इसीलिए हमने ज़मीनें ही खरीद, हमारे कुटुंब ने ज़मीन खरीदी 3000 रुपये बिंगो खरीदी, 9000 रुपये बिंगो खरीदे, ऐसे ऐसे वो ये 2 साल में हमारा पैसा रिटर्न हो जाता था उसी टाइम पे, और अभी उसका जो प्राइस बढ़ेगा वो तो फ़ायदा अलग था, लेकिन हम धरती को माँ के हिसाब से देखते हैं, वो उसका प्राइस कितना बड़ा वो नहीं देखते हैं, बस ज़मीन से पैदावार तो बढ़ने ही वाली है, इसीलिए हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और ज़मीन को नुकसान नहीं होता, ज़मीन को भी फायदा होता है, खाने वाले को भी फायदा होता है और पूरे पर्यावरण को फायदा होता है। रामचंद्र जी, आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, मुझे सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग बहुत पसंद हैं। आप समय से उठते हैं, आपके खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, अपना ध्यान रखते हैं, तो ये सारे गुण आपको कहाँ से मिले? वो हमारे पिताजी और हमारे माताजी, अभी भी मेरा मदर है 95 ईयर ओल्ड है, वो अभी भी उठने का खाने का वो टाइम डिसिप्लिन पे रहता है, वो अपनी 95 ईयर ओल्ड है फिर भी उसका खाने का बर्तन है वो उठा के वो साइड पे खुद लगा लेती है, उसको ऐसा नहीं है कि मैं 95 ईयर ओल्ड हूँ तो मेरे को वहाँ पे ही खाना मिले, ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह पे खाना नहीं मांगती, वो आके सब उसे फादर मदर से हम सीखे डिसिप्लिन, टाइमिंग, सब टाइम पे काम करने का, खेती टाइमिंग में काम होगा तो खेती में बहुत फायदा होता है, इसीलिए टाइम पे खेती करते रहे, टाइम पे काम करते रहे। रामचंद्र जी, आप अपने गांव के इकलौते नौजवान थे जिनका सिलेक्शन मिलिट्री में हो गया था, लेकिन आपने अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने की सोची, तो ये निर्णय कितना कठिन था और ये निर्णय क्यों लेना पड़ा?
उसी टाइम मेरा मैं वैसे तो बचपन में तो मैं वीक आदमी था, लेकिन मैं हमारा जो युवा हमारा जो फ्रेंड थे उसके साथ में हम बहुत कसरत करते रहते थे और उस कसरत से हमारा तंदुरुस्ती बढ़ा और हमारी सेहत भी अच्छी बढ़ी। लेकिन मिलिट्री में हम 8 हमारा फ्रेंड गए थे गांव के, लेकिन मेरा ही चूज़ हुआ। और लेकिन वो पता घर वाले पूरे गांव को पता चल गया कि उसका मिलिट्री में सिलेक्शन हुआ था। उसी टाइम मेरे फादर को कैंसर था, इस हिसाब से, और छोटा भाई था वो छोटा था, बड़ा भाई वो दूसरी जगह पे था, इसीलिए मेरे को घर पे रहना ज़रूरी था क्योंकि फादर की भी ट्रीटमेंट का और सब जिम्मेदारी लेने का था। और इसीलिए सब ने बोला कि आपको नहीं जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो बस एक बार बता दिया तो मैंने तय कर लिया कि अब मेरे को नहीं जाने का मिलिट्री में बस। और उसी टाइम से मेरे को कोई दिन दिल में ऐसा भी नहीं याद आया कि मैं मिलिट्री में गया होता तो अच्छा रहता, बस जहाँ हूँ वहाँ खुश रहता हूँ मैं। रामचंद्र जी, जब आपको अपने पिताजी के कैंसर के बारे में पता चला तो आप बहुत हैरान, आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने कभी कोई नशा नहीं किया, जिसमें कोई ऐप नहीं है, उन्हें ये बीमारी कैसे हो सकती। इसी सिलसिले में आपको मुंबई भी आना पड़ा, मुंबई में आपके कई डॉक्टर्स से मुलाकात, वहां पे आपने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना इस बीमारी के बारे में, और आपकी जो इन डॉक्टर से बात होती थी उससे आपको काफी कुछ पता चला, तो क्या निष्कर्ष निकाला? वो सही है कि हमारा जो पिताजी थे वो बाहर का कुछ खाना नहीं खाते थे, धूम्रपान नहीं करते थे और पूरा अपने खेत से पका हुआ ही खाना खाते थे। लेकिन उसी टाइम जो हमारी पैदावार होती थी वो केमिकल दवा या खाद डाल के पैदा होती थी, और सबके डॉक्टर से भी निष्कर्ष बातें करने के बाद निष्कर्ष वही निकला कि उसको कैंसर का वही एक बात है जो केमिकल वाला दवा या खाद था उसका ही वही जिम्मेदार था। इसी आपने जब रासायनिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की तो आपके गांव वाले और आपके जान पहचान वालों का क्या रिएक्शन? जब हम भास्कर भाई सावे के फार्म देखने के लिए गए थे, वो पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे और पूरे गांव से एक बस गया था और देख के आए थे। उसके बाद में हमने केमिकल दवाइयाँ सब यूज़ करने का हमारे खेत में बंद कर दिया। एक तो डॉक्टर से निष्कर्ष भी निकला था और वहाँ पे देख के आए, प्रैक्टिकल देखने के बाद हमारे को निष्कर्ष पूरा तय कर लिया कि अब केमिकल फ्री ही खेती करने का है। और हमारे साथ में 2-4 फ्रेंड भी जुड़े थे और अभी पहले तो 10-12 थे, लेकिन बाद में उसको प्रोडक्शन कम लगा तो उसने छोड़ दिया। लेकिन हमारे साथ 2-3 हमारा फ्रेंड है, वो भी अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं और हम भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। रामचंद्र जी, आप ऑर्गेनिक खेती में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, तो क्या है वो एक्सपेरिमेंट्स? वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलग अलग एक्सपीरियंस हम देखते रहे, पूरे इंडिया में भी घूमे अलग अलग जगह पे, और देखने के बाद एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ने हमने खेत का जो कचरा था वो जलाने का बंद कर दिया, जुटाई कम कर दी, घास को ज़्यादा निंदामण निकालने की बजाय उसको कटाई करके वहीं पे रखने का किया, और जीवामृत और गौ कूपामृत ये सब खेत में जमीन में भी देते थे और स्प्रे भी करते थे, पाक के ऊपर जो छनकाव उसका भी कर रहे थे, इससे फायदा बहुत फायदा हुआ। आपने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से बहुत फायदा उठाया, तो क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं? ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि बाहर से लाने का कम से कम रहता है, इसीलिए खर्च का कम होता है। फार्मर को दिक्कत क्या होती है कि वो बाहर से खरीदता है, उसका प्राइस वो खुद नहीं तय कर पाते हैं, और अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए जाते हैं उसका भी प्राइस वो खुद नहीं तय कर पाते हैं। इसीलिए बाहर से हमने क्या किया कि बाहर से लाने का ज़्यादातर ज़रूरत बंद कर दी है, बाहर से लाने का नहीं, और अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट यूज़र को बिक्री करने का और वैल्यू एडिशन करने के बाद बिक्री करने का, वैल्यू एडिशन से भी फायदा होता है। अकेला ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा और मंडी में बेच लेगा तो इतना फायदा नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एक्चुअल यूज़र को सेल करने का और वैल्यू एडिशन करने के बाद सेल करने का से बहुत फायदा होता है। रामचंद्र जी चाहते हैं तो कोई भी प्राइवेट जॉब कर सकते थे, लेकिन अपनी स्थिति को समझते हुए और अपने माता पिता की सीख और सकारात्मक रवैये को अपनाते हुए इन्होंने खेती में शुरुआत की।
जिससे इनका जीवन बदल गया। और भी बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में जानने के लिए, जो हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप खेती के अलावा भी बहुत कुछ करते रहे, तो क्या क्या है वो? कोऑपरेटिव से भी जुड़े रहते हैं, वैसे बड़ी कोऑपरेटिव में जाने का नहीं सोचते, लेकिन जहाँ पे खाली जगह रहती है वहीं पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, उसमें भी मैं जुड़ा हूँ। ये पानी का बंटवारा, सिंचाई का पानी बंटवारा करने की जो सोसाइटी है उसमें मैं डायरेक्टर भी हूँ, एक जगह पे मैं वहाँ पे चेयरमैन हूँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है आपका छू लो आसमान। हमारे साथ हैं रामचंद्र पटेल। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया, और मैं आपको बता दूं आज सिर्फ ऑर्गेनिक खेती की वजह से इन्हें सालाना 27 लाख रुपए की आमदनी होती। इन्होंने ऑर्गेनिक खेती का महत्व अपने राज्य और अपने क्षेत्र के किसानों को समझाया। इन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने में कई नई पद्धतियों का इजाद किया, और आज इनके इन्हीं प्रयासों की वजह से इनके क्षेत्र के किसानों की सोच बदल रही है। आइए और भी बातें जानते हैं इनसे। रामचंद्र जी, आप कौन कौन सी फसल उपजाते हैं? गन्ना करता हूँ, अमरूद का फार्म है मेरा, केले का फार्म है, हल्दी का फार्म है, चावल है, रतालू, ये सब मैं करता हूँ। आपने पॉली हाउस बनाकर गर्बेरा और चाइनीज रोजेस की खेती शुरू की, तो ये क्या पद्धति है, इसके बारे में हमारे किसानों को बताइए। वो पूरा कंट्रोल में एटमॉस्फेयर रहता है और उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, इसीलिए वो थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि उसमें फेल हो जाए फार्मर तो उसमें दिक्कत भी हो सकती है, इसीलिए उसमें पहले उसकी ट्रेनिंग लेना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बाद में उसमें जाना चाहिए। ट्रेनिंग के बगैर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। मैंने HTC जो पूना के पास में है, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ट्रेनिंग लिया था, उसके बाद में मैंने पॉली हाउस बनाया था। आप खेती के अलावा बनाना चिप्स, शुगर केन जूस, गुआवा जूस, यैम वेफर्स और टर्मरिक पाउडर जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, तो ये सब कैसे हो पाया? सब हम देखते रहते थे, कहीं कहीं हमने सर्वदमन पटेल के फार्म पे देखा, तो वो वहाँ पे फार्म पे बिक्री करते थे, वैल्यू एडिशन करते थे, उससे देखा, कहीं कहीं घूमते रहते थे। वेलजी भाई भूरिया करके है कच्छ में, वो भी वैसे करता था, उसको देख के हमने ये सब स्टार्ट किया है। और हमारे साथ हमारा बच्चा भी है, हमारे साथ हमारा पुराना हमारा आदमी भी हमारे साथ काम में जुटे रहते हैं, और सब आदमी को भी काम मिलता है और हमारे को भी वो ये वैल्यू एडिशन कर पाते हैं। आपने NA की जमीन को कोर्ट से कैसे प्राप्त किया? वो हमने जमीन NA जमीन थी, ज़्यादातर फार्मर की लैंड इंडस्ट्री वाले या लेते हैं, हमने इंडस्ट्री वाले की जमीन NA लैंड खरीदी थी, और बाद में NA कैंसिल करवाने का मैंने अर्जी दिया था, लेकिन उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, और फिर भी वो हमारे से NA का रेवेन्यू मांग रहा था, तो हमने वो देने से मना किया, तो उसके हिसाब से हमारे को हाई कोर्ट जाना पड़ा था, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कलेक्टर को, और कलेक्टर ने फिर हमारा लैंड NA से कैंसिल किया, और अभी भी हम उसमें फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड हो गया है। रामचंद्र जी, जब आपने खेती शुरू की और अब की खेती में
आपको कितना बदलाव नजर आता है? हाँ, खेती में उसी टाइम इतना जो पर्यावरण में इतना नुकसान नहीं था, अभी पर्यावरण में बहुत नुकसान हुआ है। उसकी वजह से जो वेदर में बदलाव ज़्यादा आता है, उसके लिए फैक्ट्रियाँ ये सब तो बंद रहती है, उसमें नुकसान कम होता है, लेकिन ये खुली हुई खेत में वो नुकसान ज़्यादा होता है। इसीलिए खेती पहले से थोड़ा खतरे वाला हो गया, ऐसा लग रहा है। गुजरात कॉरपोरेट के 100 साल पूरे होने पर क्या कहना है? 100 साल पहले पुरुषोत्तम भाई पटेल करके है, उसने फार्मर्स कोऑपरेटिव जीनिंग एंड प्रेसिंग मिल डाला है कोऑपरेटिव, और वो उसका 100 साल ये साल में ख़त्म हुआ और उसका पूरा उजवनी भी हुआ है। उसने पूरे दिल से, वो तो ग्रेजुएट था, परदेश गए हुए थे, परदेश से आके पूरे फार्मर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको गरीबी से कैसे बाहर निकाला जाए, और पूरे दिल से उसने काम किया। और उसके बाद दूसरे भी लोग आते रहे, और वैसी बहुत कोऑपरेटिव हमारे साउथ गुजरात में है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे जो साउथ गुजरात है वो कोऑपरेटिव से ही ज़्यादातर आगे बढ़ा है, इसीलिए कोऑपरेटिव और पूरा दिल से काम करने वाले आदमी जो होगा, नेता होगा, तो बहुत बढ़िया होगा। आप खेती के अलावा भी बहुत कुछ करते रहे, तो क्या क्या है वो बताइए हमें। वो हम कोऑपरेटिव से भी जुड़े रहते हैं, वैसे बड़ी कोऑपरेटिव में जाने का नहीं सोचते, लेकिन जहाँ पे खाली जगह रहती है वहीं पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, उसमें भी मैं जुड़ा हूँ। ये पानी का बंटवारा, सिंचाई का पानी बंटवारा करने की जो सोसाइटी है उसमें मैं डायरेक्टर भी हूँ, एक जगह पे मैं वहाँ पे चेयरमैन हूँ और वो चलाता हूँ, और थोड़ा अध्यात्म से मैं जुड़ा हूँ, स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हूँ, और पूरा मेरा फैमिली स्वाध्याय परिवार से जुड़े हैं, इसीलिए भगवान ये सब बुद्धि सब जो देते हैं वो कुदरत की, और हम फार्मिंग भी कुदरत की करते हैं, कुदरत को साथ में लेके चलते हैं, कुदरत हमारे को साथ में लेके चलता है, ये कोऑपरेशन हमारा कुदरत का कोऑपरेशन बन गया है। आपको प्रकृति की आवाज़ें सुनना भी बहुत पसंद, तो ये कौन सी आवाज़ें हैं जो प्रकृति की जो आप सुनना पसंद है? ये जो चिड़िया सब पक्षियाँ बोल रहे हैं, कुछ न कुछ आवाज़ें आती रहती है, कहीं पे नदियाँ ढोट बहते हैं वहीं पे जो पानी का ये सब जो आवाज़ आता है, ये सब सुनने में मज़ा आती है, क्योंकि वो कुदरत की आवाज़ है। जो संगीत है सब भी बनाते हैं, और वो भी संगीत भी अच्छा है, लेकिन वो आदमी ने बनाया है, लेकिन ये कुदरत की आवाज़ सुनने में और मज़ा आता है मेरे को। आपके फैमिली का कितना योगदान रहा है आपके सफर? फैमिली का जो सहयोग मिला वो तो सबसे बढ़िया था, ऐसा फैमिली का सहयोग सबको मिले वैसा मैं सोच रहा हूँ। मेरी बीबी भी है और पूरे बच्चे, बच्चे की वाइफ है, बच्चे का बच्चा भी, वो गाय का दूध निकालने का हो और खेत में भी कोई भी काम करने का, तो बच्चे का बच्चा भी हमारे साथ जुड़े रहता है। रामचंद्र जी की बातों में कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ ऐसी ही दृढ़ इच्छा शक्ति दिखती, तभी तो सफलता ने इनके कदम चूमे और इन्होंने आसमान को छुआ। और भी बहुत सारी बातें इनके साथ करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से रामचंद्र भाई को जो जो गाइडलाइन मिलती थी और उनकी खुद की समझ से वो प्राकृतिक खेती में बहुत आगे बढ़े, बहुत शिविर भी अटेंड किया, और ये हमारी खेती को पूरे फैमिली को यहाँ तक लेके आए। मैं 36 साल से मेरे पापा को देख रहा हूँ, उनके जीवन में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि हम बताएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छूलो आसमान, स्वागत है आपका छूलो आसमान। हमारे साथ हैं रामचंद्र पटेल। रामचंद्र जी की बातों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी की दौड़ में
प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो हमें रुक नहीं जाना, बल्कि हमें अपनी गति और तेज कर देनी। रामचंद्र जी ने भी ऐसा ही किया और इनकी इसी गति की वजह से इनकी सारी कठिनाइयां और समस्याएं पीछे छूट गई। इनकी इस दौड़ में इनके परिवार वालों ने भी इनका बराबर साथ दिया। आइए देखते हैं रामचंद्र जी के परिवार वाले इनके बारे में क्या कहते हैं। और रामचंद्र भाई ने यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ खेती चालू किया था और खेती करते करते बाद में उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े और प्राकृतिक खेड़ी में भी खेती करते करते वो चिलाचाल वो रासायनिक खातर दवाई की सभी बंद करके ऐसे करके और बाद में बागायत में अमरूद की खेती की शुरुआत की, फिर केले भी बनाए, पपैया बनाए। और रामचंद्र भाई को जो जो गाइडलाइन मिलती थी और उनकी खुद की समझ से वो प्राकृतिक खेती में बहुत आगे बढ़े, बहुत शिविर भी अटेंड किया और ये हमारी खेती को जो हमारी जो पुअरेस्ट फैमिली को यहाँ तक लेके आए और अभी भी उनका काम चालू है। इतने साल से भी अभी भी पूरे के पूरे पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, उसके बच्चे भी लगे रहते हैं और मेरा बच्चा तो अभी न्यूरोफिजिशियन हो गया है। मेरा जो बड़ा भाई है रामचंद्र भाई, वो कॉलेज भी करता था और सुबह शाम को आके खेती का काम भी इतना ही इंटरेस्ट से काम करता था और मेरे को भी उसके साथ में काम के लिए लेके जाता था। और मेरा माँ बाप भी ऐसा ही था, पहले से हमने ऐसा मेरा माँ बाप का संस्कार था, साथ में उसको खेती करने लगते थे और हम भैंसा भी रखते थे तो उसको सुबह में चराने के लिए जाने का 10 बजे आके घर आके उसको बांध के पढ़ाई के लिए निकल जाते थे और शाम को आने के बाद मेरा जो माँ बाप है वो किधर भी खेत में काम करने के लिए गया होंगे तो उसके साथ शाम को आने के बाद भी स्कूल से आने के बाद उसको चारा लाने का वो सब करने लगते थे। रामचंद्र भाई ऐसा था, हमारे को सबको वो कुछ सीख के आता था तो हमारे को भी सब दिखाता था कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करने से ये फायदा है, ये सब हमारे को सब दिखाता था। मैंने पापा को जब हम छोटे थे तब से स्ट्रगल करके देख रहे हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं, मम्मी के पास से कितनी मेहनत करवाते हैं, सब दादा वगैरह सब कितनी मेहनत करते हैं, तो वो देख के हम भी बड़े हुए हैं कि मेहनत करते जाओ, आप फल की चिंता मत करो। पापा ने हमें सिर्फ स्ट्रगल करना भी सिखाया है और जो मतलब गलत है उसका सामना भी करना सिखाया है। पापा ने 32 वीघा जमीन ली थी, पापा दादा और काका तीनों ने साथ में मिलके, तो वो तब गवर्नमेंट ने वो एनए की प्लेस रखी थी जिस पे आप खेती नहीं कर सकते हो, तो पापा ने और दादा ने सबने मिलके वो प्लेस को मतलब गवर्नमेंट में लड़के वो प्लेस को खेती लायक बनाई और वहाँ पे अभी खेती कर रहे थे। मैं 36 साल से मेरे पापा को देख रहा हूँ, उनके जीवन में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि हम बताएंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो मैं बताऊंगा। तो हमको भी कभी उन्होंने रोका नहीं है, लेकिन गलत नहीं करना है ना, वो पहले बताया है। कोई भी चीज़ हो, किसी की मदद कर सके तो कर सके, नहीं तो किसी का गलत मत करो। और दूसरी बात सोचे कि पूरे दिन बस खेती बाड़ी में काम करते हैं, शाम को आने के बाद वो जब भी फ्री टाइम रहता है तो लोगों की तरह घूमते नहीं थे, कुशी के बारे में जो किताबें मिलती है उसको पढ़ते रहते थे और उसमें से पढ़ने के बाद अपनी कुशी में हम क्या कर सके उसके लिए ही सोचते रहते थे। हमें पापा ने ऐसा सिखाया है कि हम ऑर्गेनिक खाते हैं और किसी को भी रासायनिक खाद वाला खाने नहीं देंगे, हम उसे भी ऑर्गेनिक ही खिलाएंगे। और जैसे अपनी माँ है वैसे वो धरती भी अपनी माँ है, उसमें हम जहर डालेंगे तो हमारे शरीर में भी जहर आएगा और दूसरों के शरीर में भी जहर जाएगा। इस तरह से हमने ऐसे किया कि ऑर्गेनिक खेती चालू किया और हम भी पेस्टिसाइड बिना का खाते हैं और दूसरों को भी ऐसा खिलाते हैं और लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है और हमारी भी सेहत अच्छी रहेगी और अपनी ये धरती माँ है जमीन उसका भी सेहत अच्छा रहेगा तो दूसरों को भी कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं छोटा था
तो तब से ही मैं उसके साथ खेती बगीचे में सब इतना इंटरेस्ट था खेती में कि कुछ करना है तो खेती ही करना है। तो फिर बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और फिर मैंने सोचा चलो अभी जॉब कर ले। लेकिन मेरे पापा ने भी बताया कि अभी खेती ही अपना इतना अच्छा स्कोप है और उसमें कुछ अलग करना है। अभी अभी के हमारे यहाँ पे गांव में सब लोग हैं वो क्या खेती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, रासायनिक खेती करते हैं। उसमें जमीन भी बिगड़ती है, सब कुछ बिगड़ता है, उसमें पाक का भी नुकसान उठता है। तो अभी के ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो फिर उसमें अच्छा रहता है और जमीन भी इतना सुधर में आ गया है कि सब आप देखोगे तो इसके अंदर कीड़ा सब वगैरह रहता है, जो नेचुरली रहना चाहिए वो रहता है। और ग्लोबल वार्मिंग अभी आप देख रहे हैं कि समाज में ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक करते थे उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग का भी कंट्रोल रहेगा। सच अपनों का साथ हमें किसी भी परिस्थिति में झुकने नहीं। इनके पिता की बीमारी के बाद इनके अपनों ने इन्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि इनकी हिम्मत, साहस और जोश को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने में इनका साथ दिया। तभी तो रामचंद्र जी ने आसमान को छुआ। अभी और भी बातें इनके साथ करेंगे और भी इनके बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहते हैं कि आप हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को कुछ कहें, उन्हें कोई संदेश दें। किसान जो उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, मेरे हिसाब से उत्पादन बढ़ना वो तो कुदरत का काम है, लेकिन खर्चा कम करने का वो फार्मर का काम है। खर्च कम होगा तो उत्पादन थोड़ा कम होगा, लेकिन खर्च कम होने से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और किस कुछ दिक्कतें होगी। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ है रामचंद्र पटेल। हमने देखा कि किस तरह से रामचंद्र जी की जीवन यात्रा का शुरुआती दौर कठिनाइयों से भरा पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे और लड़ते रहे हर आने वाली मुसीबतों से। और इनके इसी जज्बे की वजह से आज इनकी गिनती सफल किसानों में हो रही है। रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज हमारे लिए समय लिया। रामचंद्र जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को कुछ कहें, उन्हें कोई संदेश दें। किसान जो उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, मेरे हिसाब से उत्पादन बढ़ना वो तो कुदरत का काम है, लेकिन खर्चा कम करने का वो फार्मर का काम है। खर्च कम होगा तो उत्पादन थोड़ा कम होगा, लेकिन खर्च कम होने से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और किस कुछ दिक्कतें होगी आएगी, फिर भी वो दिक्कत खेडूत को नहीं होगी, क्योंकि खर्चा बढ़ता है ना तो वो फिर मार्केट का जो अनु ये है मांग और पुरवठा का ये डिमांड और सप्लाई, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा, और फार्मर को अनुभव ऐसा है कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन आता है उसी टाइम रेट कम मिलता है, इसीलिए उत्पादन बढ़ाने की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। उत्पादन तो अपने आप बढ़ेगा, लेकिन ज़मीन की हेल्थ भी बढ़नी चाहिए, खाने वाले को भी अच्छा खाना मिलना चाहिए और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं जो वो प्रयत्न में ही लगा रहता हूँ और वैल्यू एडिशन करके डायरेक्ट यूज़र को देने में ही मुनाफा है, बाकी मंडी में डाल के जो भी होगा उसमें कभी भी फार्मर का भला नहीं होगा। अब समय आ गया है रामचंद्र जी और आप लोगों से विदा लेने का। छू लो आसमान के आगे की कड़ी में हम और भी ऐसे साहसी और मेहनती किसानों से मिलेंगे जिन्होंने कृषि जगत में सितारा बनकर आसमान को छुआ है। तब तक के लिए आज के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे, आप सुरक्षित रहें,
स्वस्थ रहें। कोविड के सभी नियमों का पालन करें, मास्क कभी ना उतारें और अपना समय आने पर वैक्सीन अवश्य लगाएं। धन्यवाद।